नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं यहाँ माता वैष्णो देवी धाम की तरफ रुक कर रहे हैं। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुमारी है। हम हमारे मित्र के साथ हैं और देखिए यहाँ कितनी भरी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर निकल रहे हैं और सामने आए वो भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से बादलों की चोटी नज़र आ रही है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत बात है कि यहाँ से आपको सफ़र की तरफ लिए चलते हैं आगे की तरफ। चढ़ाई काफ़ी कठिन है लेकिन जाहिर सी बात है कि मन में अगर संकल्प हो, माता के दर्शन करने की तमन्ना हो, तो कोई भी चढ़ाई कठिन नहीं है। और हम सब मिलकर बोलते हैं कि प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। देखिए कई लोग घोड़े पे, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग पालकी से। हालांकि हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, ई रिक्शा की भी सुविधा है, लेकिन हमारा संकल्प है कि पैदल ही जाना है माता के दर्शन के लिए। देखिए हो पाता है कि नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, जय माता दी। थकावट हो रही है? नहीं नहीं, बस जय माता दी बोलते चलिए ऊपर चलते चलिए। एक बार फिर से आपको कोशिश करते हैं सामने का नजारा। जय माता दी। तो सफर लगातार जारी है, बिना थके बिना रुके लगातार चलते जाना है। अगर बीच में आपको लगता है कि थोड़ी देर रुकना चाहिए तो रुक सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन रास्ते में सारा इंतजाम भी लोग हैं जो आ रहे हैं इन रास्ते के जरिए। देखिए इस तरीके से माता रानी के दरबार में पहुंचने वालों का काफ़ी सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। और जो बाहर का दृश्य है वो इतना विहंगम है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से नीचे जो कटरा है वो नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं बादल पहाड़ियों को छू रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। मौसम काफ़ी सुहाना, कभी धूप कभी बादल, मौसम की अटखेली चल रही है। और जाहिर से कि जब माता का बुलावा आया है तो वहाँ पहुँचने के लिए हम उत्साहित हैं और मौसम पूरा साथ दे रहा है। कभी बारिश कभी धूप, तो कहते हैं ना कि प्रभु की ये माया है, कभी धूप कभी छाया है। और लगातार हौसला बना हुआ है, थकान बिल्कुल नहीं है माता रानी की कृपा से। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं लगातार आप समझ पा रहे हैं ऊंचाई पर जाकर बादल जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं। और बादल करीब आने की वजह से हुआ ये है कि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, नीचे की तरफ आप महसूस कर पा रहे हो तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से आप महसूस कर पा रहे होंगे, ये देखिए बादलों, आप समझ सकते हैं कि हम बादलों से ऊपर हैं। ये एक अलग किस्म का एहसास यहाँ पर आकर हमें हो रहा है। बादलों की क्या स्थिति है, बारिश हो रही है इस वक्त, हम लोग बिल्कुल ऊंचाई पर हैं और यहाँ से आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि क्या अद्भुत नज़ारा यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल उसी कविता की तरह कि महामेघ के झंझा नील को गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बादलों को देख भी पा रहे हैं, उसे महसूस भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल नागार्जुन की कविता की तरह कि महामेघ के झंझा नील को, उसी तरीके से यहाँ पर आप छू सकते हैं। और ये नीचे देखिए अमूमन तो साफ नज़र आता है नीचे के मकान, नीचे के पेड़, लेकिन इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतने सारे बादल यहाँ पर हैं। और जाहिर सी बात अद्भुत जो प्रकृति की लीला है वो इस वक्त हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और नेचर के बीच में आप कह सकते हैं इसको, नेचर के बीच में है और इसका दीदार कर रहे हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता जो धाम की तरफ जाता है। और जहांगीर भी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार रुक कर रहे हैं और हम भी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो वहां से फिर आप सबका दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से वहां लोग दर्शन करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया है और जाहिर सी बात है कि पहले जब वहां पर पहुंचे तो उस वक्त भीड़ काफ़ी थी और इतनी जल्दबाजी थी, हमें चढ़ाई करके इतना थक चुके थे कि उस वक्त का वीडियो नहीं बनाया। लेकिन हमने पहले स्नान किया, स्नान करने के बाद लॉकर रूम में सारा सामान रखा, उसके बाद जाकर के पूजा किया, प्रसाद लिया, तिलक दिया, आप देख रहे होंगे दर्शन। देखिए हमारे पीछे माता रानी के मंदिर को आप देख सकते हैं, इसे मैं प्रॉपर दर्शन भी कराता हूँ किस तरीके से ये यहाँ पर जो है माता रानी, ये देख सकते हैं ये विहंगम ये नज़ारा है। पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊँट में, बादलों के नीचे देख सकते हैं माता रानी के दरबार को। यहाँ पर पहुँचने के लिए इतनी लंबी चढ़ाई है और इसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और सारी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो इस तस्वीर को देखने के लिए इतनी मेहनत सबने की है। अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो भैरव मंदिर की तरफ, वहाँ पर चलते हैं और उसके बाद वहाँ से भी जो भी तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी वो आपको दिखाएंगे।
तो अब हम लोगों यहाँ से चलना शुरू कर दिया है भैरव मंदिर की तरफ। चढ़ाई हमारी जारी है और उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं बिना थके बिना रुके उसी तरीके से आगे भी चलेंगे। यहाँ से माता रानी का दर्शन कर लीजिए दोस्तों। अब हम सीधे भैरव मंदिर की तरफ चल रहे हैं तरफ और लगातार हमारा सफ़र अब जारी रहेगा। माता जी का दर्शन हमने कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि अब लगातार हमारा दर्शन जो है भैरव मंदिर की तरफ हम लोग लगातार चल रहे हैं। ये रास्ता है भैरव मंदिर की तरफ जाने का। अभी हम लोग पहुंच गए हैं भैरव मंदिर के पास और आपको बता दें कि यहाँ से तो और विहंगम नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त आरती चल रही है, दर्शन होगा तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 7:30 का वक्त हुआ होगा। करना है हमें, ये देखिए चारों तरफ पहाड़, कितना सुंदर नज़ारा। इस वक्त आरती हो रही है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं भैरव मंदिर के पास। और जैसे ही वो एंट्री होगी लगातार दर्शन होगा। इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब भैरवनाथ के मंदिर से हम लोग नीचे की तरफ निकल रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद से बहुत अच्छी पूजा हो गई है सब जगह से। अंधेरा हो चुका है, तकरीबन 8:30 का वक्त हो गया है और आप देख सकते हैं अंधेरे में, लेकिन हौसला अभी तक नहीं टूटा है। रोशनी की पूरी व्यवस्था है, प्रॉपर लाइटिंग है और लगातार पूरी अपडेट देखिए तस्वीर में कैसे अंधेरा हो गया है। और ये जो नज़ारा है कुदरत का, ये भी देखने लायक है। देखिए जो लोग अब थक गए हैं वो खच्चरों के सहारे जा रहे हैं, घोड़ों के सहारे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अद्भुत ये एक अनुभव है। जाहिर सी बात है कि आएंगे तो थकावट बिल्कुल नहीं होगी, मेरे चेहरे को देखकर लग नहीं रहा होगा कि बिल्कुल थकावट कहीं हो सकती है। 10-12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से सब बिल्कुल ठीक। अभी हम लोग उतर रहे हैं चढ़ाई से भैरवनाथ मंदिर के पास से अर्धकुमारी की तरफ। अर्धकुमारी से कटरा जाना है और कई बार ये लगता है कि चढ़ना कठिन है उतरना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उतरने में भी उतनी ताकत लगती है, एक बार उतर के देखेंगे। लेकिन ठीक है, अगर भक्ति है, आस्था है, मां में श्रद्धा है तो रास्ता बिल्कुल कठिन नहीं है। थोड़ा यहाँ से भी थोड़ी रास्ता दिखाएंगे आपको किस तरीके से। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए काफ़ी विहंगम नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में स्थित, काफ़ी सुंदर। चलते चलते जब थक जाइए तो इसी तरीके से बैठने के लिए बना हुआ है, रास्ते पे बैठ जाइए। लेकिन वही है कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि अगर जाने वाले लोग जा रहे हैं, रात का वक्त है, ये रास्ता है और अभी भी आने जाने वालों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए कि अभी तो ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो चढ़ रहे हैं और जो थक गए हैं वो थोड़ी देर बैठेंगे, उसके आगे की मंजिल के रवाना हो जाएंगे। तो हमारा भी सफ़र अभी आधा तय हुआ है। यहाँ से अर्धकुंवारी करीब है, बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए हैं। वहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, कटरा पहुँचेंगे और उसके बाद यात्रा संपन्न हो जाएगी हमारी। हम लोग इस वक्त अर्धकुंवारी में हैं, रात को तकरीबन 11:30 का वक्त हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो गुफा में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए हम लोग तो इस बार नहीं जा रहे हैं, अगली बार देखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इंतज़ार कर, आप देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ है लोगों की जो दर्शन करना चाहते हैं, जिनको जाना है गुफा के भीतर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इंतज़ार इनका, बारी बारी से सब गुफा में प्रवेश करेंगे, उसके बाद माता के भी दर्शन करेंगे। हमने दर्शन कर लिया है और अब लौट के हम कटरा की तरफ जा रहे हैं, तभी हम आपको दिखाएंगे। इसी रास्ते से हम निकलेंगे कटरा की तरफ लगातार। और अभी देखिए कितनी तादाद में लोगों की भीड़ चल रही है, हम भी आगे की तरफ चल रहे हैं। ये रास्ता है, आपको दिखाते चलेंगे कि ये रास्ता है जो कटरा की तरफ जाता है। कटरा यहाँ से 6 किलोमीटर है, यानी कि सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है। 6 किलोमीटर तय करेंगे, उसके बाद ये हमारा पूरा होगा। 6 किलोमीटर अभी बाकी है, उसके बाद पूरा होगा। तो देखिए आप यहाँ से सीधे कटरा की तरफ जाते हैं और जिस तरीके से ये सफ़र चल रहा है, माता रानी की कृपा से बड़े आराम से ये सफ़र कट रहा है। हमारी यात्रा समाप्त हो गई है, हम लोग इस वक्त कटरा पहुँच चुके हैं और आपको बता दें कि काफ़ी अच्छी यात्रा रही है। तकरीबन 12 बज गए हैं और इसके बाद इस वक्त अभी यात्रा हमारी समाप्त हुई है
और आपको बता दें कि वहाँ से अर्धकुमारी से लेकर के कटरा तक हमने एक घोड़ा कर लिया था, जिससे आने में थोड़ी सुविधा रही। और मैंने तो देखिए थकावट उतनी नहीं थी, लेकिन एडवेंचर के लिए कि फिर दोबारा कब मौका मिलेगा घोड़े पर सवारी करने का, इस वजह से हमने किया था। कुल मिलाकर हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। अभी रात का वक्त है, लेकिन काफ़ी तादाद में ये श्रद्धालु जो माँ के भक्त हैं वो जा रहे हैं। रास्ते भर में देख रहा था, आवाजाही कर रहे थे, और देखते हैं कल कटरा मार्केट में अगर कुछ आपको दर्शन करा सकें, कुछ बाज़ार की तस्वीरें दिखा सकें दिखाएंगे। फिलहाल हमारी यात्रा मंगलमय रही। जय माता दी।